I'm Tejaswini Patwardhan, founder of Open Minds Productions. Let me ask you a question. What does it take to bring about a change? Thinking differently? Yes, definitely. But more than that, making things happen. We are coming up with a series called Bheer Se Alag, in which we shall meet people from different walks of life. People who have made a positive impact in the world around them. People who are part of the crowd, bheer ka hissa, par phir bhi bheer se alag. Bhashasu mukhya madhura divya girvana bharati tasya hi kavya madhura tasmadapi subhashitam. I'm pretty sure most of you haven't understood a word of what I said. Loosely translated, it means of all the languages, it is the God's own language, Sanskrit, that is divine and most lyrical. And in Sanskrit, it is the poetry that is most melodious. Today we have with us Renuka Yevlekar, a Sanskrit scholar, actor, dancer, and founder of Natya Hotra, which strives to popularize Sanskrit through dramas, poetry, and much more. Welcome, Renuka. Namo namaha. Namo namaha. Thank you, Tejaswini, for inviting me. Renuka, my first question to you is, ki Sanskrit ka revival, punarjeevit Sanskrit ko karna itna avashyak kyun hai? Actually, kaha jaye, तो मैं ये मानती हूँ कि संस्कृत को हमें रिवाइव करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी लैंग्वेज उसके साथ अपना कल्चर लेके आती है. सो दैट जैसे कि इंग्लिश का कल्चर वेस्टर्न कल्चर है, वैसे ही संस्कृत का जो कल्चर है वो हमारा इंडियन एंशियंट कल्चर है. सो दैट मुझे ऐसे नहीं लगता कि जब तक हमारी संस्कृति है तब तक हमारी लैंग्वेज रहेगी. सो दैट संस्कृत को रिवाइव करने की जरूरत नहीं. पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे पास हमारे ही संस्कृति में बहुत बड़ा विश्व का ज्ञान भंडार है, और जिसके अंडर वहां पे लिटरेचर है, वहां पे साइंस है, बहुत सी चीजें हैं जो सीखने के लिए आज मतलब वेस्टर्न लोग जो है यूरोप से आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं, अमेरिका से आते हैं, बहुत बाहर के लोग यहाँ पे आके हमारी ये भाषा जो है वो लेके जाते हैं अपने इस मतलब अलग अलग फॉर्म्स में. पर आज हमें, हम इंडियंस को वो सब चीजें देखनी चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए. ऐसे मुझे लगता है यही संस्कृत का पुनरुज्जीवन होगा, ऐसा बोल सकते हैं. ये कौन से चैलेंजेस आते हैं आपको अभी संस्कृत भाषा का उपयोग करने में, या आप जैसे कह रही है उसे एक तरह से पुनर्जीवित करने में? व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस? बेसिकली हमें संस्कृत के बारे में सबसे बड़ा चैलेंज है उसके और देखने की तरीका, और इसके बारे में हमारी जो धारणा है ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि संस्कृत को गॉड ऑफ मतलब लैंग्वेज ऑफ गॉड ऐसा देखा जाता है. और ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ देववाणी है, क्योंकि वो एक्चुअली नेचुरल एक लैंग्वेज है. मतलब जैसे हम बोलते हैं कि हर लैंग्वेज में एक साहित्य होता है, वहां पे कविताएं होती है, कथाएं होती है, कुछ प्रहेलिका होती है जिसे हम कहते हैं, समस्या पूर्ति होती है, और ये जो सारी बातें हैं वो संस्कृत में भी है. सो दैट उसको हमें सिर्फ एक भाषा के नजरिए से देखना चाहिए, ये सबसे पहली बात. और दूसरी बात, जब हम यूथ, हमारा यूथ का एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें देखा जाता है, जब कॉलेज या स्कूल में हम संस्कृत लेते हैं एज अ सब्जेक्ट, उसे सिर्फ स्कोरिंग सब्जेक्ट करके देखा जाता है. पर उसके साथ हम आगे जाके उसे स्पेशलाइजेशन के लिए चुनकर उसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं. और जैसे मैंने पहले बोला कि हमें ही देखना चाहिए हमारी संस्कृति के ओर, इसके लिए हमें ये नजरिया बदलना चाहिए कि वो सिर्फ स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है. बराबर है.
कौन से मॉडर्न टूल्स आपको लगता है कि आज की तारीख में इस्तेमाल करने पड़ेंगे आप जैसे लोगों को, आप जो काम करती हैं नाट्यहोत्र yes. में, उसमें आप कौन से मॉडर्न टूल्स यूज करती हैं और क्या काम करती हैं नाट्यहोत्र में? बेसिकली मैं जो हमारा जो नाट्यहोत्र है ये एक नाट्य संस्था है, नाटक के लिए काम करती है, संस्कृत नाटक के लिए. लेकिन अगर देखा जाए, पहले हम मॉडर्न टूल्स के बारे में बोलेंगे. मॉडर्न टूल्स जो है, जिसमें सबसे पहले तो आता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, बहुत कुछ है. सो संस्कृत को अगर इस अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों तक पहुंचा सके तो वो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आज सोशल मीडिया हम सबके साथ है. सो दैट वो सबसे बड़ा टूल है, ऐसा मैं कह सकती हूँ. उसके बाद और एक है, शायद आपको पता होगा, पुणे में एक संस्कृत फॉर यू करके संस्था है, जो टी शर्ट्स और देखा जाए तो अभी मास्क, हमें मास्क बहुत जरूरी है, और मास्क के ऊपर और टी शर्ट्स के ऊपर संस्कृत जो कोट्स होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं विचार होते हैं, वो प्रिंट करके देते हैं, मोबाइल कवर होता है, ऐसे बहुत अलग अलग टूल्स है जिसके साथ हम संस्कृत को लोगों तक पहुंचा सकते हैं. बेसिकली संस्कृत को कूल बनाते हैं. हमें वैसे देखा जाए तो यूथ के साथ उसको लेके जाने का ये सबसे अच्छा टूल है. सही कह रही हैं आप. नाट्यहोत्र के बारे में बताइए, आप नाट्यहोत्र में क्या करती हैं? जैसे मैंने बोला, नाट्यहोत्र ये एक ड्रामा कंपनी है, जिसके दौरान हम संस्कृत नाटक के लिए काम करते हैं, जिसमें कुछ नृत्य नाटिकाएं हैं, अच्युताख्यान श्री कृष्ण के आधार जीवन आधार पे, और लोकाभिराम श्री राम जो श्री राम जी के जीवन आधार पे आधारित है. उसके बाद हमने आज तक जो पुराने हमारे कवि है, संस्कृत कवि शूद्रक, उनका नृत्य नाटिका हम इसके दौरान किया है, और एक हमने प्रयोग भी किया है जो एक मराठी कथा थी, मीन्स तुमशी वहीदा, बप्पू काले लिखित, तो उनको उसको हमने नाट्य रूपांतरित करके अहमेवते वहीदा करके संस्कृत में, संस्कृत एकांकिका के स्वरूप में लोगों के सामने लाया. अलग था, लोगों को पसंद भी आया, और मैं ऐसे ही यही काम करना चाहती थी कि नाट्यहोत्र के दौरान जो लोग संस्कृत के लिए कुछ करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे है, और वो ही इसको, संस्कृत को आगे लेके जाएंगे, और यही मेरा मोटिव था नाट्यहोत्र का. मेरे ख्याल से जो पांचवा वेद जिसे कहा जाता है नाट्य शास्त्र, उस पे भी yes. आप बहुत काम करती हैं, उसके प्रिंसिपल्स को आप कोशिश कर रही हैं कि आगे ले जाएं. yes. उसके बारे में बताइए. जब हम कुछ कोई नाटक प्रेजेंट करते हैं, सो हमने ये आज तक हर नाटक के दौरान काम किया है कि नाट्य शास्त्र के जो बेसिक रूल्स है, जो भरत मुनि ने बताए हैं, वो फॉलो करना, ये हमारी सबसे पहली बात होती है. क्योंकि जैसे हम देखते हैं ग्रीक थिएटर है, यूरोपियन थिएटर है, उन सबके जो प्रिंसिपल्स है उनके नींव पे वो खड़े हैं, सो क्यों ना हम नाट्य शास्त्र, जिसके नींव पे आज का हमारा इंडियन थिएटर खड़ा है, उसको ही सीखते हुए, उसको ही एक्सप्लोर करते हुए क्यों ना नाटक लोगों के सामने लाया जाए, और ये जो नाटक हम करते हैं वो लोगों के साथ, जो मेरे साथ दोस्त है वो सब मेरी उम्र के हैं, मतलब हम कह सकते हैं यूथ है. अगर यूथ ही नाटक को, नाटक सबके लिए बहुत रुचि क्रिएट करने वाला है, सो क्यों ना उन लोगों के सामने ये पहुंचाया जाए कि नाट्य शास्त्र क्या है. तो इसके लिए हमने इस नाट्य शास्त्र के प्रिंसिपल्स पे आपको बड़े अभिमान के साथ बताना चाहूंगी कि ओपन माइंड्स जो मेरी संस्था है उसका पूरा ड्रामा सिलेबस में नाट्य शास्त्र पर आधारित है, तो ये आईबी स्कूल से पढ़ाया जाता है. अच्छा, क्या बात. और क्या वेस्टर्न कंट्रीज के पास शेक्सपियर है, हमारे पास कालिदास है, तो क्या कालिदास के ऊपर आप कुछ कर रही हैं? हाँ, एक्चुअली जो लॉकडाउन था हमारा, उस वक्त हम तो नाटक तो कर नहीं सकते थे, सो दैट हम लोगों ने मिलके सोचा कि क्यों ना हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए कुछ नया करके देखे. सो हमने एक कालिदोस्कोप करके एक प्रोजेक्ट किया है, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आता है. उसमें हमने कालिदास के जो 7 कलाकृतियां हैं
उनके पहले श्लोक में जिसे हम नांदी या मंगलाचरण कहते हैं उनके साथ जो विजुअल आर्ट्स होते हैं डूडलिंग फोटोग्राफी शेडो आर्ट या फिर रंगोली इनके इनके माध्यम से उनका मंगलाचरण प्रेजेंट करने की कोशिश हमने की है। ये हमारा कालिदास को इस साल के कालिदास दिन और संस्कृत दिन का ट्रिब्यूट है। ये मैंने देखे ही हुए हैं कुछ एपिसोड्स, बहुत ही सुंदर है, बहुत प्रशंसनीय है। मुझे बताइए कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू तो जुड़ ही रही हैं लोगों से, लेकिन एक अगले 5 सालों में 10 सालों में आपको क्या लगता है कहाँ जा पाएगा संस्कृत? वैसे तो कहा जाए, मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करूंगी कि संस्कृत ये हमारी कम्युनिकेशन की रेगुलर कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होगी, पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ जो मैंने देखा है। मैं खुद संस्कृत जब सीखती थी तब मेरे साथ बहुत कम स्टूडेंट्स थे, पर आज अगर मैं देखती हूँ मेरे कॉलेज में तो आज की जो संख्या है स्टूडेंट्स की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो नया माध्यम हमने जो पहले बोला जो नए नए टूल्स है उनके साथ जो ये प्रयोग किए जाते हैं इसका कुछ ना कुछ तो ये सक्सेस होगा, या फिर संस्कृत के बारे में जो जागरूकता हुई है इसी के कारण आज तो संस्कृत के स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं और आगे जाके भी वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे ये मुझे लगता है, और वही संस्कृत का सबसे बड़ा सक्सेस होगा। मुझे यही लगता है कि जब एक भाषा मरती है तो उसके साथ हमारे कल्चर की बहुत सारी ऐसी चीजें भी लुप्त हो जाती हैं जो होनी चाहिए थी, जो नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचनी चाहिए थी लेकिन पहुंच नहीं पाई। भाषा का ऐसी चीज है जो जीवित रहने के लिए, टू रिमेन अलाइव, उसका प्रयोग होना चाहिए, लोग उसे एंजॉय करने चाहिए और वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। मेरे ख्याल से रेणुका बहुत बड़ा काम कर रही है, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, शुभम भवतु। थैंक यू, शुभम भवतु। Thank you.